गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 8 क्लास 10, जीव जनन किस प्रकार करते हैं। और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जीव जनन दो तरीके से करते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन हमने पढ़ना शुरू किया और उसमें अलैंगिक जनन की 6 अलग अलग विधियाँ हम पढ़ चुके हैं। उसमें ये 6 अलग अलग विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनर्उद्भवन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि केवल सरल संरचना वाले जीव ही पुनर्उद्भवन क्यों करते हैं। पुनर्उद्भवन विधि हम अलैंगिक जनन में पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न है कि केवल सरल संरचना वाले जीव ही पुनर्उद्भवन क्यों करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्रिम प्रवर्धन किसे कहते हैं, उत्तक संवर्धन क्या होता है, अलैंगिक जनन के महत्व क्या है, जीवों में विभिन्नता किस प्रकार आती है और क्लोन का क्या मतलब है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट प्रश्न थे कि सरल संरचना वाले जीवों में ही पुनर्उद्भवन क्यों होता है। देखो नाम में ही है इसके, सरल संरचना। सरल संरचना मतलब ऐसे जीव जिनके शरीर में सिर्फ कोशिकाएं या सिर्फ उत्तकों का निर्माण होता है, उनके शरीर में अंगों का या अंग तंत्रों का निर्माण नहीं होता। तो ऐसे जीव जिनमें सिर्फ कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह जिसको उत्तक कहते हैं, अगर वही मौजूद है तो अगर वो कहीं से टूट जाएगा तो उसको सिर्फ उत्तकों या कोशिकाओं का निर्माण करना होता है, तो वह उत्तकों का निर्माण करके अपना खोया हुआ भाग बना लेगा। लेकिन एक जटिल संरचना वाला जीव जिसके शरीर में कोशिकाएं जुड़कर उत्तक बनाती हैं, उत्तक जुड़कर अंगों का निर्माण कर लेते हैं और अंग जुड़कर अंग तंत्रों का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे जीवों में पुनर्उद्भवन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऐसे जीवों में विशिष्ट अंग होते हैं और उन विशिष्ट अंगों का एक विशिष्ट कार्य होगा और एक विशिष्ट स्थान होता है। इसलिए अगर किसी जगह से जीव टूट जाए तो वो कोशिकाएं, उस जगह की कोशिकाएं उन सभी अंगों का निर्माण करने में समर्थ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें विशिष्ट अंग होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होंगे। ठीक है भाई, तो यही कारण है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्उद्भवन द्वारा जनन नहीं कर सकते, या ये कह लो, वैसे तो मैंने बताया था कि पुनर्उद्भवन रीजनरेशन होता है और सभी जीवों में रीजनरेशन की थोड़ी बहुत क्षमता जरूर होती है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के मेथड के तौर पे, मतलब इसको एज ए रिप्रोडक्शन यूज करने वाले बहुत कम जीव हैं जो सरल संरचना वाले होते हैं। जटिल संरचना वाले जीव इसका प्रयोग रिप्रोडक्शन के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी संरचना अधिक जटिल होने के कारण उनमें विशिष्ट अंग होते हैं और वो अंग विशिष्ट कार्य करते हैं, तो अगर कोई पार्ट टूट जाएगा तो वह पार्ट उन विशिष्ट अंगों का निर्माण नहीं कर पाएगा। जैसे अगर उदाहरण के लिए लें, हम जटिल संरचना वाले जीव हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र कार्य कर रहे हैं, हमारा दिल अपना अलग कार्य कर रहा है, किडनी अलग कार्य करती है, तो अगर हमारी कोई टांग कट जाए नीचे से तो वह टांग हमारे ऊपर वाला सारा हिस्सा नहीं बना पाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि संरचना बहुत अधिक जटिल है। यही कारण है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्उद्भवन द्वारा जनन नहीं कर सकते। उसके बाद हम पढ़ते हैं कृत्रिम प्रवर्धन। देखो मैंने बताया था आपको कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का निर्माण होना। और कायिक अंग कौन से हैं पौधे में? जड़, तना तथा पत्तियां। अब कृत्रिम प्रवर्धन का क्या मतलब होता है? कृत्रिम प्रवर्धन का मतलब होता है, कृत्रिम शब्द तो आप लोगों को पता ही है, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा। अगर मनुष्य किसी पौधे की कोशिका से पूरा का पूरा पौधा उगा ले या पूरे के पूरे पौधे का निर्माण कर ले, उस विधि को बोलते हैं कृत्रिम प्रवर्धन। कोशिका से नहीं, किसी पौधे के भाग से। वो कोशिका से बनाना वो था उत्तक संवर्धन। कृत्रिम प्रवर्धन का मतलब होता है, मतलब जैसे कायिक प्रवर्धन में पौधा अपने आप अपने कायिक अंगों से नया पौधा बना लेगा,
इसमें मनुष्य उसके कायिक अंगों का प्रयोग करके नए पौधे का निर्माण करवाएगा। तो इसमें तीन विधियां होती हैं कृत्रिम परिवर्तन की, एक होती है कटिंग्स, एक होता है लेयरिंग और एक होता है ग्राफ्टिंग। ये तीन विधियों द्वारा कृत्रिम प्रवर्धन होता है। अब है कटिंग। कटिंग क्या होता है? कटिंग किसी भी पौधे का एक छोटा टुकड़ा, जिस टुकड़े से उस पूरे के पूरे पौधे को उगाया जा सके उसको बोलते हैं कटिंग। कटिंग किसी की भी हो सकती है, कटिंग स्टेम मतलब तने की भी हो सकती है और यह जड़ों की भी हो सकती है और यह पत्ती की भी हो सकती है। जिस भी भाग से नया पौधा बनाया जा सकता है उस भाग को हम काट लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा, उस छोटे टुकड़े को क्या बोलेंगे? कटिंग बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने गुलाब के तने का एक इतना सा छोटा सा टुकड़ा ये काट लिया, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि इस छोटे टुकड़े में एक बड अवश्य होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर एक कली अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि पादप में कली का बहुत महत्व है, क्योंकि कली से नए पादप का निर्माण होता है। तो इसमें एक कली अवश्य होनी चाहिए, गांठ सी आप लोगों को दिखाई देगी उसके ऊपर। तो ये कटिंग हमने ले ली। हम क्या करेंगे, इसको मिट्टी में लगा देंगे और पानी, नमी और खाद वगैरह जो इसको चाहिए वो इसको दे देंगे। कुछ दिन के बाद इस बड से एक ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी और इससे क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। ऐसे ही तने की बजाय आप किसी पत्ती का पार्ट ले सकते हो, जैसे ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म का एक टुकड़ा काट के अगर हम मिट्टी में लगा देंगे तो उससे पत्ती का टुकड़ा, ब्रायोफिल्म ऐसा प्लांट है जिसमें पत्ती को काट के लगा देंगे या उसके तने को काट के लगा देंगे तो किसी से भी नया पौधा बन सकता है, तो जड़ों से भी बन सकता है, ठीक है। जड़ का टुकड़ा भी काट के, अगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़ों की कटिंग लेकर हम नए पौधे को उगा सकते हैं। ये तो हो गया कटिंग। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग नए पौधे उगाने का वह तरीका है जिसमें किसी पौधे की कोई ब्रांच, जैसे ये कोई पौधा है और इसकी ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी ब्रांच है ये, तो इसको, इस ब्रांच को हम नीचे झुका लेंगे ऐसे और बीच में से यहाँ इसमें कोई कट लगा देंगे। कट मतलब काटना नहीं है पूरा, सिर्फ इसके ऊपर की जो बार की जो छाल होती है वो हटा देंगे थोड़ी सी और इसको मिट्टी से और गोबर की खाद से ढक देंगे। यहाँ भी इसमें पत्ते हैं और यहाँ भी पत्ते हैं, यहाँ से पत्ते हटा के इसकी छाल को थोड़ा सा रिमूव करके और मिट्टी में हमने दबा दिया। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसके कटे हुए भाग से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। जब जड़ें आना शुरू हो जाएं या जड़ निकल जाएं तो हम इसको यहाँ से काट लेंगे तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा। इस विधि को बोलते हैं लेयरिंग। जैस्मिन में ऐसा होता है, जैस्मिन का जो फ्लावर होता है उसमें ऐसा करते हैं। ये विधि कौन सी होगी? लेयरिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग ये समझ लो, यह दो पौधों से एक पौधा बनाने की विधि होती है। जैसे मान लो आप लोगों के पास एक प्लांट है जिसका तना इतना अच्छा है, इतना मोटा है, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर का जो हिस्सा है इसका, इस पे कोई फ्लावर या कोई फ्रूट डेवलप नहीं हो रहा, मतलब इसमें फूल या फल नहीं आ रहे हैं, तो हम इसका क्या करें? कुछ भी नहीं, इसका क्या फायदा, तना इतना अच्छा है लेकिन ये आगे फल और फूल नहीं दे रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये पूरा का पूरा प्लांट है इस प्रकार से और एक दूसरा प्लांट है जिसका भी ये तना है और इसकी ये ब्रांचेज हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं, ये बहुत सारा फ्रूट्स आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर वाले भाग को काट देंगे, ये काट दिया हमने, और इसके नीचे वाले भाग को काट देंगे। अब इन दोनों को हमने मिलाना है, इसी विधि को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। लेकिन मिलाने का एक तरीका होता है, जो जड़ वाला हिस्सा होता है, ये जड़ वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं स्टॉक, और जिसका ब्रांच वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कायोन।
स्टॉक एंड स्कायोन दो पार्ट हो गए। अब क्या करेंगे हम, इसको इस प्रकार काटेंगे, या अगर ये तना इसकी मोटाई उस तने जितनी है जो दूसरा तना है, तो हम इसमें ऐसे तिरछा कट देते हैं, ये तिरछा कट लगा लेंगे, और जो इसके ऊपर लगाने वाला लगाएंगे हम, उसमें भी हम एक तिरछा कट ऐसे लगाएंगे। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर फिट करके, लेकिन एक बात याद रखना, इसके अंदर एक कैम्बियम होती है, मतलब एक उत्तक होता है, कैम्बियम बोलते हैं उसको, इसकी कैम्बियम और इसकी कैम्बियम दोनों एक साथ एक सीध में होनी चाहिए, तब हम इनको जोड़ के और इसके ऊपर कुछ खाद मिट्टी लगा के और बैंडेज कर देंगे, मतलब पट्टी बांध देंगे। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो ऊपर वाला तना है इसमें फ्रूट्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, नई पत्तियां आने शुरू हो जाएंगी। इसके क्या फायदे हैं, इसके फायदे ये हैं कि अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें शूट डेवलप अच्छा होता है, रूट सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब जिसका तना अच्छा है लेकिन जड़ें खराब हैं, वो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, कोई ऐसा प्लांट जिसके जड़ों का सिस्टम अच्छा है उसको काट लेंगे, और उस प्लांट को जो जिसका शूट सिस्टम अच्छा है, मतलब ऊपर का स्टेम अच्छा है, उसको काट लेंगे और दोनों को मिला देंगे। बहुत सारे पौधों में ऐसा होता है, नींबू में भी होता है ऐसा, सेब में भी करते हैं, संतरे में, इस तरह की ग्राफ्टिंग की जाती है, ज़्यादातर इसमें फ्रूट्स वाले पौधों में ऐसा किया जाता है। इसको बोलते हैं कृत्रिम प्रवर्धन, क्यों, क्योंकि ये सभी काम मनुष्य द्वारा किए गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कृत्रिम प्रवर्धन, मतलब पौधे उगाए तो गए हैं लेकिन मानव द्वारा, इसलिए इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सॉरी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन बोला जाता है, ठीक है, कृत्रिम प्रवर्धन। तो ये हो गया हमारा कृत्रिम प्रवर्धन। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन क्या होता है, उत्तक संवर्धन नए पौधे प्राप्त करने की एक ऐसी विधि होती है जिसमें नए पौधे को किसी एक कोशिका या कोशिकाओं के समूह से उगाया जाता है, और उसमें होता क्या है, उसके लिए हमारे पास कोई एक कोशिका होगी, जैसे ये कोशिका कहाँ से लेनी है, देखो पादप में विभाज्य उत्तक होते हैं, एक स्थायी उत्तक होता है, एक विभाज्य उत्तक होता है। विभाज्य उत्तक होता है शीर्ष पे, या तो जड़ों के शीर्ष पे या तने के शीर्ष पे, या साइड में भी होते हैं विभाज्य उत्तक। तो हम विभाज्य उत्तक की कोशिका लेंगे, विभाज्य उत्तक की क्यों कोशिका लेंगे, क्योंकि भाई विभाज्य उत्तक की कोशिका में ही विभाजन करने की क्षमता है, दूसरी जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं है। तो ये कोशिका जो हमने ली है, इस कोशिका में विभाजन करने की क्षमता, मतलब ये विभाजित कर सकती है, तो इस कोशिका को ले लेंगे, और इस कोशिका को हम एक ऐसे मीडियम में रखेंगे, ऐसे मीडियम में मतलब ऐसे पदार्थ के अंदर रखेंगे जिसमें इसका खाना वगैरह और इसके हार्मोन जो इसको चाहिए डेवलप होने के लिए, वो सब मौजूद होंगे। अब जो इसको जो चाहिए वो इसको मिल जाएगा, तो ये क्या करेगी, ये तो कोशिका है, ये तो विभाजन करेगी, तो एक कोशिका पहले बनाएगी दो कोशिकाएं, फिर दो से बनेगी चार, चार से बनेगी आठ, इस प्रकार कोशिकाओं का एक गुच्छ बन जाएगा, कोशिकाओं का गुच्छ बन जाएगा, इस गुच्छे को बोलते हैं कैलस, ठीक है। अब हो सकता है कि जो ये पदार्थ हमने डाले हैं इसमें हार्मोन की या भोजन की कमी हो जाए, तो हम इसको इसमें से उठा के दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे सॉल्यूशन में डाल देंगे जिसमें इसका खाना वगैरह हार्मोन वगैरह सब कुछ है, और हार्मोन डाल देंगे जैसे जिब्रेलिन या ऑक्सिन हार्मोन होते हैं जो रूट की ग्रोथ के लिए और स्टेम की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो इसमें हमने जब इसमें डाला तो इसके अंदर नीचे से जड़ निकलना शुरू हो जाएगी, ऊपर से तना निकलना शुरू हो जाएगा, तो एक छोटा प्लांटलेट बन जाएगा, छोटा पादप बन जाएगा, ठीक है। फिर उस पादप को जब फिर इस पादप को निकाल कर दूसरे किसी कंटेनर में डालना पड़ेगा। एक बात याद रखना, हम इसको डायरेक्ट बाहर नहीं लगा सकते एनवायरनमेंट में, क्यों, क्योंकि इसको अभी तक पूरी की पूरी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब क्या जो इसको चाहिए, इसने हार्डनिंग तो इसके अंदर हुई नहीं है, मतलब ये बाहर वाले वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये तो समझ लो भाई ये तो एसी में पला बड़ा हुआ है, ये समझ लो, तो बाहर वाले धूप मिट्टी को तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, कुछ दिन तक इसको धीरे धीरे
इसकी हार्डनिंग करेंगे, मतलब उस वातावरण में रहने के लायक बनाएंगे, फिर इस प्लांट को बार मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक पूरा पौधा किससे प्राप्त हुआ हमें, एक कोशिका से, इसको बोलते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन से हमें बिना किसी बीमारी का पौधा प्राप्त हो सकता है। मतलब उत्तक संवर्धन के कोई फायदे पूछ ले आपसे कि क्या लाभ है उत्तक संवर्धन के, तो उत्तक संवर्धन में एक ही समय में बहुत अधिक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, पहला लाभ। दूसरा, इससे हमें स्वच्छ और साफ सुथरे पौधे प्राप्त होते हैं, मतलब जिनमें कोई बीमारी नहीं होती, ठीक है भाई, और जिनमें अच्छे गुण होते हैं या वांछित गुण इनके अंदर होते हैं जो हमें चाहिए, ऐसा पौधा इस विधि द्वारा उगाया जा सकता है। किसके द्वारा? उत्तक संवर्धन के द्वारा, ठीक। ये तो हो गया भाई उत्तक संवर्धन। अब है अलैंगिक जनन के महत्व क्या है, ये पेपर में आ चुका है कि अलैंगिक जनन के क्या महत्व है। तो अलैंगिक जनन का पहला तो महत्व हो गया भाई ये कि ये बहुत फास्ट होता है। मतलब क्या, ऐसा कोई पौधा जो बीज के द्वारा हो सकता है कि एक साल में डेवलप हो, एक साल में बने, तो वही पौधा अलैंगिक जनन द्वारा हो सकता है कि 3 महीने में पैदा हो जाए, ऐसा होता है। जैसे अगर हम गन्ने को ले, अगर गन्ने का बीज लगाए तो गन्ने को बड़ा होने में 1 साल लग जाएगा, ठीक। और उतना ही पौधा अगर हम उसकी कटिंग लगा दें तो उतना ही पौधा 3 महीने में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया भाई रैपिड, ये मतलब फास्ट है ये। फास्ट मतलब इसमें पौधे को बहुत जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, कम समय में अधिक पैदावार कह सकते हो या अधिक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं इसमें अलैंगिक जनन में। दूसरा इसका फायदा है कि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता है, एक ही जनक चाहिए, तो जरूरत नहीं दूसरे जनक की। तो इन सर्च ऑफ अदर पेरेंट, मतलब किसी दूसरे जनक की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इसमें एक ही जनक की जरूरत है, तो हमें किसी दूसरे जनक की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये एक जनक का होना ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसके अंदर। दूसरा भाई, इसके अंदर जो ऊर्जा, मतलब जैसे अगर मैं ये कहूँ टाइम और ऊर्जा की बहुत बचत होती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं और दोनों का टाइम उसमें इन्वॉल्व होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊर्जा और समय अधिक खराब होता है, जबकि अलैंगिक जनन में ऊर्जा और समय दोनों की बचत होती है। तो इसमें ऊर्जा और समय की क्या होगी भाई, ऊर्जा और समय की बचत होती है, ठीक है, ये इसका फायदा हो गया भाई। और क्या इसका फायदा है कि जो संतान उत्पन्न होती है वह बिल्कुल अपने जनक की कॉपी होती है। संतान जो उत्पन्न होती है वो अपने जनक की बिल्कुल कॉपी होती है, बिल्कुल उसके जैसे दिखाई देती है। जो गुण उसके जनक में होंगे वही गुण संतान में होते हैं। तो अगर हम वही पौधे उगाना चाहते हैं सेम क्वालिटी के, उसी प्रकार के, तो हमारे लिए अलैंगिक जनन महत्वपूर्ण है। लैंगिक की बजाय अलैंगिक जनन अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें पौधे के अंदर नए गुण नहीं आ पाते, उसमें वही गुण आते हैं जो हमारे पास जनक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं, महत्व है किसके, अलैंगिक जनन के, ये आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या विभिन्नता। विभिन्नता क्या है, ये वेरिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, वेरिएशंस या विभिन्नता। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और समझने वाला है कि विभिन्नता क्या है। देखो जो अलैंगिक जनन होता है, जैसे मैंने बताया था अमीबा होता है, या ये कह लो कि ये कोशिका है, इस कोशिका में केंद्रक तो होता ही है, और केंद्रक है तो इसके केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए भी होता है, ये डीएनए है। जब इस कोशिका से एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं तो ऐसे ही थोड़ा ना बनेंगी, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, और केंद्रक का विभाजन हम पढ़ चुके हैं भी, ये केंद्रक 1 से 2 बनेगा, लेकिन इससे 1 से 2 बनने से पहले इसके अंदर जो डीएनए है ये भी तो 1 से 2 बनेगी, मतलब डीएनए की कॉपी बनेगी। तो अलैंगिक जनन में सबसे पहला काम होता है डीएनए की कॉपी का बनाना,
तो इस डीएनए से एक नई डीएनए बनती है, और वो किससे बनेगी, वो कोशिका के अंदर ही सारा का सारा पदार्थ होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई डीएनए है क्या, डीएनए के अंदर तीन मुख्य पार्ट होते हैं, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका ये पूरा नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए की संरचना अगर देखें, जैसे मैं ये कहूँ कि ये डीएनए है, तो ये डीएनए की मैंने तो वैसे लाइन बना दी बस, लेकिन हकीकत में ये है क्या, इसके अंदर भाई तीन यौगिक जुड़ के डीएनए बनती है। क्या कौन कौन से, इसमें एक तो होती है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर का मतलब होता है जैसे ग्लूकोज होते हैं ना, ग्लूकोज भी शुगर ही है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसमें 5 कार्बन की एक शुगर होती है। मान लो ये का एक शुगर वैसे बना दिया मैंने कि ये शुगर है, और एक होता है इसमें पेंटोज नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजन बेस होता है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, वैसे समझ लो कि एक तो होगी शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये समझो कि ये मैंने बताया शुगर होगी है, ये शुगर है, इसके साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजन बेस, और ये समझ लो यहाँ पे ये क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप। इस प्रकार ये जो चीज है, ऐसी ऐसी इसमें हजारों यूनिट जुड़ी होंगी इस चैन के अंदर, तब जाके एक डीएनए का निर्माण होता है। तो मतलब डीएनए बनी किससे, डीएनए बनी तो किससे बनी, मतलब नाइट्रोजन बेस से, फॉस्फेट से और शुगर से बनी है। तो कहने और ये कहाँ पे होते हैं, ये कोशिका के अंदर ही होते हैं। मतलब ये जो डीएनए है, जब इसको अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी, डीएनए से डीएनए की कॉपी अगर बनेगी, तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी। मान लो ये डीएनए है एक, इसने अपने ही जैसी बनानी है, तो कहने का मतलब क्या है, इन चीजों को जोड़ना पड़ेगा, और ये चीजें कहाँ से उठाएगी, वो कोशिका से ही उठाएगी। ठीक है भाई, ये थी ऐसी ऐसे डिब्बे हैं, समझ लो इसमें ये जुड़े हुए हैं, ये डीएनए है, इसने अपने जैसी बनाने के लिए ऐसे ही डिब्बों को जोड़ना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है, तब जाकर नई डीएनए बनेगी। लेकिन जब ये डब्बे से ये जुड़े हुए हैं, ये चीजें जुड़ेंगी, उठा उठा के इनको जोड़ रही है, तो हो सकता है कि उसके अंदर वो जो जुड़ाव है वो पूरी तरह से ना हो, पूरी तरह से ना हो, पूर्ण तरीके से ना हो, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ इसके अंदर हो जाए। ये जुड़ेंगे तो केमिकल रिएक्शन से ही, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन 100% एफिशिएंट नहीं होती, 100% एफिशिएंट नहीं है। तो जब एक डीएनए से नई डीएनए का निर्माण होता है, तो जो जब डीएनए बनेगी तो उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है कि इसके पहले वाले जैसी बिल्कुल 100% हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं 0.1-0.2% डिफरेंसेस आ ही जाएंगे। तो वो डिफरेंसेस जब आ जाएंगे डीएनए के अंदर, अगर डिफरेंस आ गया तो समझ लो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में ही डिफरेंस आ जाएगा। जैसे देखो हमारी जो डीएनए बनी हुई है, मानव की जो डीएनए है, 46 क्रोमोसोम है, सभी मनुष्य में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे जैसे दिखाई नहीं देते। 99.9% डीएनए सभी की समान होती है, और यही रीजन है कि हम सब के दो हाथ दो पैर हैं, दो आंखें एक नाक, ये सब चीजें तो सभी में समान है, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.1% डीएनए में सभी के अंदर अंतर होता है, और उस अंतर के कारण हम सब अलग दिखते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, बिल्कुल जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जो एक जाइगोट से बनते हैं, उनकी डीएनए बिल्कुल बराबर होती है, तभी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर दो ऑर्गेनिज्म की डीएनए 100% अगर सेम है, तो वो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। अगर डीएनए के अंदर डिफरेंस आया, तो कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई डिफरेंस आ ही जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे जैसे डीएनए के अंदर डिफरेंस बढ़ता रहेगा, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अंतर बढ़ता रहेगा। अब जो अलैंगिक जनन है, अब अलैंगिक जनन में तो एक ही पेरेंट है, उसकी डीएनए से ही नया जीव बनना है, तो उसमें तो विभिन्नता बहुत कम आएगी, बहुत कम चांस है, और वो चांस सिर्फ इस यहाँ, वो चांस तो सिर्फ एक डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाते टाइम ही आएगा,
मतलब उसमें दो पेरेंट्स तो है नहीं कि दो पेरेंट्स की डीएनए मिलेगी तो ज्यादा अंतर आ जाएंगे। फिर भी अंतर किसके कारण आएंगे कि डीएनए से जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उस बनते समय उस क्रिया में या मतलब रासायनिक अभिक्रिया में थोड़ी बहुत कोई अंतर आ गया या कोई डिफरेंसेस आ गया तो ये जो डीएनए है ये इसकी 100% एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाएगी, तो थोड़ा सा अंतर इसके अंदर आ जाएगा जिससे आ जाएंगे डिफरेंस इसमें नए बनने वाले जीव में विभिन्नता आ जाएगी और विभिन्नता जीवों के लिए लाभदायक होते हैं। किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए वही विभिन्नता लाभदायक है। कैसे है, उदाहरण के लिए जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, अभी सब ये बोल रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो तो आदमी जीवित रह जाएगा, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब है हम उससे थोड़ा सा अलग हैं। जो आदमी जिसकी इम्यूनिटी कम है उसके अंदर कुछ चीज़ें बन रही हैं जो कि काम नहीं कर रही, हमारे अंदर कुछ चीज़ें बन रही है जो काम कर रही है, और वो काम करने वाली चीज़ किससे बनी, समझ लो कहीं ना कहीं उसमें डीएनए का ही रोल है। तो वो जो अंतर आया है उससे हमारे अंदर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसकी नहीं है, तो ये विभिन्नता ही है जो हमें, इस विभिन्नता के कारण ही हम जीवित रह पाएंगे, नहीं तो प्रजाति लुप्त हो जाएगी, नष्ट हो सकती है। अब मान लो आपके अंदर बदलने की क्षमता है, चुटकी बजाते ही आप अपने आप को बदल लो तो आप तो किसी भी एनवायरनमेंट में रह पाओगे, कोई भी एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो बदलने का क्या मतलब है, विभिन्नता मतलब आपके अंदर अंतर आ जाए, अलग अलग एनवायरनमेंट को आप बर्दाश्त कर सको ऐसा अंतर आ जाए तो हम एडवर्स कंडीशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण दूं मैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है, अगर हम कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो पानी में है, अगर उस पानी का तापमान बहुत अधिक हो जाए तो वो तो मर जाएगा, लेकिन अगर उसी की प्रजाति में कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत बड़े हुए तापमान को बर्दाश्त कर सकता है तो क्या होगा, वो तो उस तापमान को बर्दाश्त कर जाएगा, वो मरेगा नहीं। तो आगे जब भी कोई प्रोजनी बनेगी, मतलब आगे जो जीव बनेंगे वो उसी के अपने ही तो बनेंगे। तो जीवों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए विभिन्नता बहुत आवश्यक है। एक और उदाहरण दे देता हूँ, मान लो हमने फसल लगा दी, सारे के सारे पौधे एक जैसे होते हैं, कोई बीमारी आ गई तो सारे के सारे फसल खराब हो जाएगी, क्यों, कोई भी पौधा उस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा, सभी एक जैसे हैं। लेकिन अगर उनमें से पूरी फसल में से कोई दो चार पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर विभिन्नता है, सॉरी भाई थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो विभिन्नता क्या है कि उन बीमारियों से लड़ सकते हैं, कोई पौधे ऐसे उनमें दो चार पौधे ऐसे हैं कि उस बीमारी से लड़ सकते हैं, मतलब उनका इम्यून सिस्टम ऐसा है कि उस बीमारी का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा तो वो बीमारी उनको नहीं मार पाएगी, मतलब वो उस बीमारी से बच जाएंगे। वो क्यों, क्योंकि उनके डीएनए में कोई विभिन्नता थी, इस कारण वो बचे रह जाएंगे भाई। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्नता से जो जीव बनते हैं वो विभिन्नता जीवों के जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक होती है। बात समझ में आएगी भाई। तो किसी भी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए वेरिएशंस मतलब विभिन्नता का होना आवश्यक है। बात समझ आई, ठीक है। तो विभिन्नता लैंगिक धर्म में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स होते हैं, उसमें मेल का डीएनए भी आता है और फीमेल का भी आता है, तो दोनों ही कैरेक्टर मिलते हैं, तो इसलिए उसमें नए जीव में विभिन्नता अधिक आती है, अलैंगिक जन्म में विभिन्नता कम आती है। और जो भी आते हैं किसी पर आते हैं, डीएनए से डीएनए की कॉपी जब बढ़ती है तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, तो इसलिए एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाती, तो इसलिए थोड़ी बहुत विभिन्नता आ जाती है, और विभिन्नता जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उसके बाद क्लोन क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है भाई एग्जैक्ट कॉपी, मतलब अगर किसी जैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने द्विखंडन किया तो उसके दो कोशिकाएं बन गई, तो वो अगर आइडेंटिकल है बिल्कुल, उनका डीएनए पहले उसके पेरेंट के डीएनए जैसा ही है, एग्जैक्ट है, तो हम उसको क्लोन बोलेंगे, पहले का क्या कह देंगे, क्लोन। जैसे मनुष्य का अगर क्लोन बनाया जाए, हमारी कोई कोशिका निकाल के, मेरी कोई कोशिका निकाल के अगर नए जीव या नए इंसान को बनाया जाए तो वो इंसान बिल्कुल मेरे जैसा ही बनेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा क्लोन, ठीक है। तो ये था भाई आज की वीडियो में जो हमने महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक किए हैं, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है बीच बीच में भाई, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ये डिस्टर्बेंस वगैरह थोड़ा इसको थोड़ा हैंडल कर पाऊँ, क्यों
बार ये जानवर वगैरह थोड़ा बोलते रहते हैं, तो थोड़ा है इसको मैनेज करो। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।